सफल खाने के पीरपैती प्रखंड के दुबौली बगीचा में ब्रह्म बाबा स्थान में 9 दिवसीय हरिनाम संकीर्तन के पूर्णाहुति के अवसर पर 11 फीट ऊंच शिवलिंग के रुद्राभिषेक भ गई। एकरा से पहले 121 फीट लमहर कावर यात्रा के शुभारंभ भइल। बाल संत त्यागी जी महाराज इंटरनेशनल भिखारी के साथ ग्रामीण राम खेलावन मिश्र, घनश्याम दास, भूलन दुबे, बबुआ दुबे, देवेंद्र दुबे के साथ सैकड़ों महिला पुरुष बच्चा ढोल नगारा के बीच भक्ति भाव देखत बनत रहे। कमल धोराई उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरल गईल। हर हर महादेव के जय घोष भइल। जय श्री राम के गगनचुभी नारा लागल। बोल बम के बीच देखत बनत रहे भक्ति भाव। रउआ सब देखी जा कितना उत्साहित बारे लोग। आज क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है आपके द्वारा? चल रहे नौ दिवसीय अखंड कीर्तन महायज्ञ का विश्राम आज ही 5 बजे संध्याकालीन विश्राम होगी। उसी उपलक्ष्य में 11 फीट का शिवलिंग का आज सामूहिक रुद्राभिषेक आज की जाएगी 12 बजे से, और साथ ही भंडारा का शुभ आयोजन कल किया जाएगा। इसी साथ में आज 121 फीट के कांवर के साथ में कांवर यात्रा लेकर जाएंगे हम लोग, अभी जल लेकर आएंगे और 12 बजे से महाअभिषेक सब बंधु मिलकर करेंगे। हम इंटरनेशनल अधिकारी त्यागी बाबा वाराणसी। धन्यवाद सभी लोग।
कीजिए मेरे भैया आराम से। आपके यहाँ इस टाइप का कार्यक्रम हो रहा है, आप लोगों का सहयोग किस टाइप का है? ये बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। त्यागी बाबा 9 दिन रामधूम करवाए, इसके बाद आज एक विशेष कार्यक्रम इस बार हो रहा है। 11 फीट का शिवलिंग का निर्माण हुआ है और इस क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज महारुद्राभिषेक में सभी को शामिल है। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? मैं लोगों से यह निवेदन करता हूं कि इस पुण्य कार्य में अधिक से अधिक लोग आवे, भागीदारी हों और धर्म का लाभ उठावे। हमारे क्षेत्र में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि त्यागी जी महाराज के तरफ से यहाँ पर 9-7 दिन का कीर्तन का आयोजन हुआ, उसके बाद आज हमारे यहाँ 11 फीट शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी होगा और कल भंडारा का तैयारी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर दान पुण्य करके पुण्य का भागी बने।